अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। टूडला फिरोजाबाद विधानसभा के ब्लॉक नारखी में सर्व समाज की हुई महापंचायत। बीजेपी विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। आज दिनांक 9/1/2022 को फिरोजाबाद टूडला विधानसभा के नारखी में सर्व समाज की हुई महापंचायत। टूडला के मौजूदा बीजेपी विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मुर्दाबाद के लगे नारे। नारखी के ठाकुर कोल्ड स्टोरेज में हुई ब्राह्मण, ठाकुर, बघेल, कुशवाह व अन्य जातियों के लोगों की महापंचायत। महापंचायत में बाहरी प्रत्याशी उतारने पर करेंगे विरोध, भरेंगे हुंकार। नारखी ब्लॉक क्षेत्र के 2 दर्जन ग्राम प्रधान व 1 दर्जन पूर्व प्रधान समेत आम जनता रही शामिल। बीजेपी हाईकमान से की स्थानीय प्रत्याशी उतारने की अपील। बाहरी प्रत्याशी होने पर जमकर होगा विरोध। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मराज सिंह यादव, शिक्षक प्रकोष्ठ, जिला संयोजक भाजपा। आज जो बैठक रखी गई है कोल्ड स्टोरेज में जी, सभी समाज की सहभागिता है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? केवल एक ही उद्देश्य है, बाहरी प्रत्याशी यहाँ नहीं थोपा जाए। अगर बाहर से व्यक्ति कोई आएगा तो हम उसको हराने का कार्य करेंगे। वैसे हमारी आस्था केवल योगी और मोदी में है, इसके अलावा हम किसी को जानते नहीं। अगर इनको टिकट मिलती है तो हम उसको हराने का भी कार्य करेंगे, प्रेमपाल धनगर। अच्छा, बीजेपी हाईकमान से क्या मांग रखते हैं आप? केवल एक ही मांग है, इनको हटाइए, लोकल का प्रत्याशी लेके आइए। हम कोई बाहर का प्रत्याशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका? मेरा समीर खान नाम है, दूसरी बार प्रधान। अच्छा, अच्छा प्रधान जी, आज सर्व समाज की ये बैठक रखी गई है, क्या उद्देश्य है? सब समाज का जो उद्देश्य है, हमारा लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। और यहाँ ये शिकायत है, किसी प्रत्याशी जो है पूर्व मौजूदा हमारे प्रमुख विधायक जी हैं, सॉरी, तो ये किसी को न तो ज्यादा जानते हैं, न ज्यादा दर्द देते हैं, चाचलो पकड़ लिए हैं, उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं। जब हर किसी को यहाँ जरूरत है, हर गांव में जाएं, किसी की क्या समस्याएं, काम कराएं, वो चीजें नहीं। हमने सूचना दे दी, एक आदमी पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया, तो आपने सूचना दे दी, वही काम हो गया बस। दूसरे गाँव में कोई मतलब क्या मुसीबत चल रही है, क्या परेशानी चल रही है। और सारे समाज की यही डिमांड है, नौकर प्रत्याशी होना चाहिए। आपका? विनीत कुमार सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत भैंसा। अच्छा, क्या मुख्य उद्देश्य है इस बैठक का और आप सब लोग आए हैं, क्या मांगे आपकी बीजेपी हाईकमान से? मुख्य उद्देश्य हमारा प्रत्याशी को लेकर है। हमारी पूरी विधानसभा ये चाहती है कि बाहर का प्रत्याशी यहाँ नर चुनाव लड़े। सत्ता शासन हम लोगों का चल रहा है तो फिर कोई फायदा ही नहीं उससे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लोकल की पूरी विधानसभा में 2 ब्लॉक है, टूला ब्लॉक, नारकी ब्लॉक, यह बहुत सारे प्रत्याशी हैं। ऐसी क्या मुख्य वजह है कि आप बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं? बाहर की प्रत्याशी इसलिए विरोध कर रहे हैं, उसे रास्तों की पता नहीं, गांव की पता नहीं, गांव के लोगों को नहीं पहचानते। 2-4 लोगों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, बहाना उनके पास आ जाता है कि 6 महीने कोरोना में निकाल लीजिए, 6 महीने तुम कहां रहे, फिर भी कहां रहे। किसी गांव में कोई कमी हो जाती है, किसी परिवार के साथ उनका उठना बैठना बहुत कम है, पहचानते नहीं लोगों को, ये है, इसलिए उसका विरोध है। ये लोकल का प्रत्याशी होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, लोग हर गांव रास्ते को समझे, गांव के लोगों को समझे, हर जाति के वर्ग को साथ लेके चले। इनका तो यही है बस, 2-4 लोग पकड़ लिए, इनके साथ रहने वाले लोग कौन है ये पूरी विधानसभा जानती है। दलाल किस्म के लोग लगे हुए साथ में, उनके ही कहने से काम करते हैं, इसलिए विरोध है। पूरा विधानसभा टूला ब्लॉक नारकी ब्लॉक विरोध कर रहा है इस बात का, इसलिए यहां बैठक रखी गई है।